हाय, हमारे बहुत से व्यूवर्स हमसे पूछते हैं कि हमारी शादी लेट हुई है और हमारी ऑलरेडी एज 40 हो चुकी है, तो क्या हम अब अपने आप प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं या हमें एक इलाज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर 40 के बारे में। क्या 40 के बाद आप कुदरती रूप से अपने आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए जिससे आप अपने नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सके, और अगर हाँ तो उस केस में क्या दिक्कतें आ सकती है आपकी अपने आप हुई हुई प्रेगनेंसी में, और वो क्या टाइम है जिसपे आपको एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं, 40 साल की उम्र में अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उसमें नेचुरल चांसेस कितने रहते हैं? 5% से लेकर 10% का चांस रहता है कि प्रेगनेंसी अपने आप आ पाए। आप सोचेंगे चांसेस बहुत कम है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस इफ आई टेल यू, 25 ईयर्स की एज से 30 ईयर्स की एज के बीच में जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनका ये चांस 15 से 20% तक रहता है। तो दिस इज द मैक्सिमम चांस ऑफ प्रेगनेंसी जो एक महीने में किसी भी कपल का है जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी शादी लेट हुई या आपने अब प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू किया, पर मंथ प्रोबेबली यू हैव दिस चांस टू कंसीव ऑन योर ओन, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली जब आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, आपकी ट्यूब्स ओपन हैं और सीमेन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्राई करते हुए आपको मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं तो इसका मतलब आपका ये चांस नहीं आ पा रहा है या फिर इनमें से किसी फैक्टर में कोई दिक्कत है। तो अगर 40 के ऊपर नेचुरली ट्राई करते हैं, आपको 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और इवैल्यूएशन के लिए जाएं ताकि वो आपको गाइड कर सके कि वो क्या ट्रीटमेंट है जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। अब अगर आप सोचते हैं कि हम नेचुरली किस तरीके से अपनी साइकिल्स को बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं ताकि ये नेचुरल प्रेगनेंसी का ये चांस जो है वो हम अवेल कर पाएँ, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका BMI। अगर आप ओबीज हैं, लुक फॉर वेट रिडक्शन। सेकेंड, लाइफ स्टाइल में जिसमें बात करेंगे हम डाइट की और एक्सरसाइज की, और ये दोनों ही चीज़ें वैलिड हैं मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देन बात आती है टाइमिंग। टाइमिंग पता करने के लिए एक हमने आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिया है जो बताता है कि आपका ओवुलेशन का डे कैसा है। साइकिल लेंथ में से 14 डेज घटा के हम ओवुलेशन डे को पता कर सकते हैं, और उसी के आसपास जो फर्टाइल विंडो है उसमें आपको ट्राई करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी आपको अपना प्री प्रेगनेंसी वर्कअप ज़रूर कराना चाहिए ये देखने के लिए कि आप में किसी तरह के हार्मोन की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि शरीर में हार्मोन्स जो है वो एग क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली आपके पार्टनर में अगर कोई दिक्कत होती है ब्लड वर्कअप में, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे थायराइड है, विटामिन डी B12 डेफिशिएंसी, ये सब गेमीट क्वालिटी में यानी एग और स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, तो दोनों को प्री प्रेगनेंसी वर्कअप कराना चाहिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो उसको एड्रेस करके चलना चाहिए। देन अगर आप ये सब चीज़ें भी फॉलो कर रहे हैं और 6 महीना आपने ट्राई भी किया है उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, इन दैट सिनेरियो आपको कंसल्टेशन में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर कोई कारण है तो उसको ठीक करना चाहिए, पर मोस्टली केसेस में होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि साइकिल्स भी रेगुलर, ट्यूब्स भी ठीक है, सीमेन काउंट जो है वो भी ठीक है, पर क्या अफेक्ट हो जाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, वो आएगा आपकी रिपोर्ट्स में लो AMH के रूप में, यानी अल्ट्रासाउंड पे आपके जो फॉलिकल्स हैं वो कम हो गए हैं, अंडा बनाने की जो क्षमता है, एग रिजर्व जिसे कहते हैं, वो कम हो गया है। एक आई बटन में लिंक है जिसमें हमने बात किया है लो AMH के बारे में, तो आप उसे भी ज़रूर देखें ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आखिर AMH होता क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है अंडे की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, क्योंकि एग का जो बैंक है वो आपका तभी फिक्स हो गया था जब आप अपनी मदर के वूम में थे। ओवर द टाइम जितनी बार पीरियड्स आते हैं, जितनी बार साइकिल्स होती है, दिस कीप्स ऑन फॉलिंग,
यही वो कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का चांस यंग एज में ज़्यादा अच्छा रहता है और जैसे जैसे एज एडवांस होती है वो कम होता चला जाता है। दूसरी बात आती है, ना कि सिर्फ एग का जो नंबर है वो कम होता है, साथ ही जो क्वालिटी का डिक्लाइन आता है उसको अगर हम बात करें तो उसमें, और जब अंडा जो नया बन रहा है उसमें किसी ना किसी तरीके की जेनेटिक दिक्कत हो जाती है, यानी अब अंडा जो है वो मात्रा में भी कम होता है पर उसके अंदर जो जीन्स हैं उसकी वजह से उसमें एन्यूप्लॉयडी का रिस्क बढ़ता है और जिस कारण से या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है और अगर होती है तो मिसकैरेज के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये प्रेगनेंसी के चांस है, तो ये जेनेटिक दिक्कत होने के जो चांसेस हैं इस एज में इट इज़ लेस देन 10%, बट इन एन एज मोर देन 40 इट इज़ मोर देन 70%। तो अगर आप ऑलरेडी सोचते हैं कि हम शादी लेट करेंगे या फिर शादी हो गई है प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक समाधान जो प्रिवेंटिव है वो है एग फ्रीजिंग। आप सही एज में जब आपके एग रिजर्व अच्छा है तब एग फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं, जिससे आप एग्स को यंग एज में ही फ्रीज कर लेंगे तो उनमें ये सारे चेंजेस नहीं होंगे। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी 40, गिव योरसेल्फ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर नेचुरल ट्राइंग, जिसमें आपने सब चीज़ें करी हो। अगर आपने सब ट्राई कर लिया है और सब कुछ ठीक आ रहा है और टाइम हो गया है, तो अपने कंसल्टेशन को देरी ना करें, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे ना जाएं, आप सही डॉक्टर से सही इलाज लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपको साइंटिफिकली बता पाए कि आपका जो अब आज की डेट में एग रिजर्व है 40 के बाद, उससे हम कैसे प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। आप ये समझिए कि आपके खुद के एग को यूटिलाइज करने के लिए भी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े हुए मेथड्स को यूज़ अगर हम करते हैं, चाहे वो IVF हो, ICSI हो, या फिर आपकी एम्ब्रियोस को हम पूल करके IVF करें कि 2-3 बार इंजेक्शंस लगाए, वो हम अगर जल्दी यूटिलाइज करेंगे तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस आप ही के अंडों से बेटर हो सकते हैं। एंड इफ नॉट ऑल दिस, अगर इसके बाद आप अपने एग्स का सारा ट्राई कर चुके हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही आपके खुद के अंडों से, तो डोनर का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं ओवेरियन रिजुविनेशन के माध्यम से, जिसमें टैबलेट्स, PRP, स्टेम सेल्स देके एग रिजर्व को कुछ हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है, और उससे भी ऐसा देखा गया है कि कपल्स अपने अंडे से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग गेटिंग प्रेग्नेंट ओवर 40, तो हमें ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।